पायल इधर आओ। जी साहब। क्या बात है पायल, आज तूने मुझे नमस्ते भी नहीं किया। मुझे लगता है पायल जरूर कोई परेशानी में है, शायद इसीलिए नहीं कुछ बोल रही है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। बोलो रमेश, कैसे आना हुआ? मालिक, अब आपसे क्या छुपाना, हमने प्रधान जी से अपनी बहन की शादी में कुछ पैसे लिए थे और उन्होंने धोखे से हमारी जमीन अपने नाम करा ली। और मालिक, आज पुलिस भी आई थी, बोल रही थी कि प्रधान जी को जमीन दे दो वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वैसे रमेश, कितने पैसे लिए थे तुमने प्रधान जी से? मालिक, मैंने 1,00,000 रुपये लिए थे। रमेश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगा, फिर तुम उसके बाद प्रधान जी के सारे पैसे लौटा देना। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे रमेश, ये क्या कर रहा है तू? कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अब तू अपने घर चला जा, चिंता मत कर। मालिक, पहले हम प्रधान जी के यहाँ काम करते थे तो हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल पाता था, और जब से हमने आपके यहाँ काम किया है तो हमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये सब तो ऊपर वाले की देन है, और एक बात ना हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी के साथ में अच्छा करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ में अच्छा ही करेंगे। ठीक कह रहे हो मालिक, ठीक है अब मैं चलता हूँ। हाँ पायल, तुम बताओ अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मालिक, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। पायल, तुम झूठ बोल रही हो, जो लड़की मेरे घर सुबह सुबह आकर ही खुश हो जाती थी वो आज उदास क्यों है? अरे पायल, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे क्या बात है? मालिक, जब मैं सुबह सुबह अपने घर पर थी तभी प्रधान आया। ओए बुड्ढे, कहाँ है, बाहर निकल कर आ। अरे प्रधान जी आप, नमस्ते, बताइए। नमस्ते गई भाड़ में, पहले ये बता तेरा बाप कहाँ है? प्रधान जी, पापा तो खेत पर काम करने के लिए गए हैं। कोई बात नहीं, अगर तेरा बूढ़ा बाप खेत पर चला गया तो वैसे ही वो किसी काम का नहीं है, मुझे तुझसे काम है। बोलिए प्रधान जी, आपको मुझसे क्या काम है? तेरे बाप ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे और अभी तक देने का कोई नाम ही नहीं है। प्रधान जी, अगले महीने हमारी सरसों की फसल कट जाएगी, फिर हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुझसे जो चीज़ चाहिए वो मुझे दे दे, मैं सारे पैसे माफ़ कर दूंगा। अरे प्रधान जी, अभी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर मेरी नज़र है मुझे वो चीज़ चाहिए, समझ रही है ना तू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रधान जी, आप साफ साफ बोलिए, आप कहना क्या चाहते हो? देख, मुझे ना तू पसंद आ गई है, और मुझे तू 1 रात का टाइम दे दे, मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर दूंगा और कुछ पैसे भी दे दूंगा। जुबान संभाल कर बात कर, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ, और अगर तुझे रात बिताने का ज्यादा ही शौक है तो अपने घर जाकर अपनी माँ बहन के साथ रात बिता। तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी, और हमारे पालतू कुत्ते हम पर ही भौंक रहे हैं। और हाँ, मैंने सुना है तू काफी शरीफ लड़की है, आज ही तेरा शरीफी का भूत ना उतार ही देता हूँ मैं। प्रधान जी ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो प्रधान जी। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, अगर तू अपने बाप की और अपनी इज्जत चाहती है तो चुपचाप रात को मेरे घर पर आ जाना, अभी तो मैं चलता हूँ। अब उस प्रधान ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है, तुम चलो मेरे साथ, अभी मैं उसको सबक सिखाता हूँ, आओ। अरे दरोगा जी, तुम्हें जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक मुझे बता दिया करो, मैं इस गांव का प्रधान हूँ, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। हम भी तो आपके कहने पर सारा काम करते हैं। हाँ दरोगा जी, ये बात तो सच है, तुम्हारी वजह से मैं कई बार जेल जाने से बच गया हूँ। आप अंदर कहाँ जा रहे हो? मुझे उस प्रधान से मिलना है। उनसे नहीं मिल सकते आप। क्या कहा तूने, मैं उनसे नहीं मिल सकता? प्रधान जी। अरे कौन है तू, और मेरे घर पर आकर कैसी दादागिरी दिखा रहा है? देखिए दरोगा जी, ये मेरे घर पर आकर गुंडागर्दी कर रहा है और मेरे आदमी को भी पीट रहा है। क्या कहा तूने कि मैं गुंडागर्दी दिखा रहा हूँ? गुंडागर्दी तो तू दिखा रहा है, मैं अभी ऊपर ही आता हूँ, आइए आप। हाँ आ जाओ ऊपर, मैं भी देखता हूँ तू क्या करेगा। अबे ओए, चुपचाप चलाया प्रधान जी के घर से, वरना थाने में ले जाकर डाल दूंगा। इंस्पेक्टर, तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ।
और तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? तुम कानून के रखवाले हो और तुम प्रधान का इस घटिया काम में साथ देते हो। तुम्हें पता भी है कि प्रधान ने क्या किया है? प्रधान जी कोई गलत काम नहीं करते, बल्कि गरीबों की मदद करते हैं। अरे दरोगा जी, इन जैसे लोग ही हम जैसे लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो तो मुझे दिख रहा है इंस्पेक्टर कि तुम इस प्रधान का साथ क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम इसके टुकड़ों पर पलते हो। जुबान सवाल के बात कर, वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। मुझे लगता है तुम अपना फर्ज भूल गए हो। सरकार ने तुमको ये वर्दी कानून की रखवाली करने के लिए दी है, इस प्रधान की चपरासी करने के लिए नहीं। देख रहे हो दरोगा जी, इसकी गुंडागर्दी। ये मेरे घर पर ही आकर मुझे ही धमकी दे रहा है। प्रधान जी, ये पुलिस की पिटाई को जानता नहीं है, इसलिए फालतू बोल रहा है। इंस्पेक्टर, जिस वर्दी पर तुम इतना उछल रहे हो ना, तुम्हारी ये वर्दी बहुत जल्द उतरने वाली है, क्योंकि मैं आज ही तुम्हारी शिकायत एसपी साहब से करने वाला हूँ। तेरे पास क्या सबूत है जो मुझे फंसाएगा? सबूत तो मेरे पास बहुत ठोस है। ये देखो इंस्पेक्टर, अब मैंने ना तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम इस प्रधान के साथ में बैठ करके दारू पी रहे हो, मतलब कि तुम इसके टुकड़ों पर पलते हो। अब यही वीडियो मैं एसपी साहब को दिखाऊंगा ना, तो तुम्हारी ये वर्दी 2 मिनट में उतर जाएगी। अबे वीडियो क्यों बना रहा है, अभी के अभी डिलीट कर इसे। क्या कहा तुमने कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूं? इंस्पेक्टर, अभी वीडियो डिलीट होने वाली नहीं है। और हाँ प्रधान, आज के बाद अगर तूने इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं तेरी आंखें निकालकर बच्चों को गोटियां खेलने के लिए दे दूंगा, इसलिए आगे से ध्यान रखना। चलिए आप। ठीक है प्रधान जी, मैं भी चलता हूँ। अरे रुको 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, तुम मेरी शिकायत एसपी साहब से मत करना, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर, वो तो मैं तुम्हें टाइम आने पर बता दूंगा कि तुमको करना क्या है। चलो अब हम चलते हैं। अरे पायल बेटा उठो, शाम हो गई है, शाम के वक्त नहीं सोते हैं। अरे पिताजी आ गए आप, बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अभी तो खाना खा के गया था मैं, मुझे भूख नहीं लग रही है। पिताजी आप बैठो, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोल। पिताजी आज घर पर प्रधान आया था, आपने उससे कुछ पैसे ले लिए हैं क्यों उधार? हाँ बेटा, जब तेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी तब मैंने उससे पैसे लिए थे। उस समय हमें कोई पैसे देने वाला नहीं था, इसलिए हमने प्रधान से पैसे लिए थे। और बेटी तुझे तो पता है कि हर बार खेती में घाटा होता जा रहा है, इसलिए उसके पैसे नहीं चुका पाया। अब की बार में पूरे पैसे चुका दूंगा। लेकिन पिताजी आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि वो पैसे आपने प्रधान जी से उधार लिए हैं? कोई बात ना बेटा, अगले महीने उसके सारे पैसे चुका दूंगा। पिताजी आप ऐसे लोगों से पैसे मत लिया करो जो हमें घर पर आकर बेइज्जत करें। लेकिन बेटा हुआ क्या है? कुछ नहीं पिताजी, और हाँ आगे से आप ना उससे कभी पैसे उधार मत लेना। अरे ये प्रधान मालिक साहब की गाड़ी में क्या कर रहा है? मुझे ना इसकी वीडियो बना लेनी चाहिए। जमींदार साहब, मजबूरन मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या है अब मुझे बताएंगे? किसी ने बताया है आप अपनी गाड़ी से ड्रग सप्लाई करते हो। इंस्पेक्टर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? फिर सुबह सुबह पीकर आ गए हो? आपको पता है ना कि हम कोई भी गलत काम नहीं करते, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि हम ये सब काम करेंगे? जमींदार साहब मुझे आप पर विश्वास है कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर से आदेश आए हुए हैं।
कि मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। इंस्पेक्टर, तुमको जिसने भी सूचना दी है ना, गलत सूचना दी है, और मैं इस तरह अपनी गाड़ी की तलाशी नहीं दे सकता। जब आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो आप तलाशी देने से डर क्यों रहे हो? अच्छा प्रधान, अब मैं समझ गया पुलिस को सूचना किसने दी है कि मैं अपनी गाड़ी में ड्रग सप्लाई करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा कीजिए, मेरी गाड़ी की तलाशी ले ही लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें ड्रग्स है या फिर नहीं है। ये लीजिए। दरोगा जी, तलाशी सही से लेना, इसमें ड्रग्स जरूर निकलेगा। जमींदार साहब, ये क्या है? तुम तो बोल रहे थे कि मैं कोई गलत काम नहीं करता, पर ये गाड़ी में ड्रग्स कहाँ से आया? इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता, फिर ये गाड़ी में ड्रग्स कहाँ से आ गया? दरोगा जी, तभी तो मैं सोच रहा था कि इन भाई साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, दो नंबर का काम करते हैं ये, और सबूत आपकी आंखों के सामने है। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई दो नंबर का काम नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। जमींदार साहब, चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है। देखिए इंस्पेक्टर, आपको नहीं पता है मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ, तो फिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता हूँ, आप ही बताइए। मैं कुछ नहीं जानता, आप सबूत के साथ पकड़े गए हो, सीधी तरह से मेरे साथ चलिए। दरोगा जी, आप ज़्यादा देर मत करो, लेकर जाओ इसे। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते, ये तो गरीबों के मसीहा हैं। तू कौन है और कहना क्या चाहता है? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कहेगी तो ये वीडियो, फिर आपको पता चल जाएगा कि मुजरिम कौन है। अरे दरोगा जी, आप इस फोन में क्या देख रहे हो? आपको सबूत मिल गया है ना, तो इसे लेकर जाइए आप। प्रधान जी, सबूत तो मुझे अब पक्का मिला है कि मुजरिम कौन है। अरे दरोगा जी, आपके कहने का मतलब क्या है? ये ड्रग्स इनकी गाड़ी से निकला है, वो तुमने रखा है, अब जेल ये नहीं बल्कि तुम जाओगे। प्रधान जी, आपने इतना गंदा काम किया, इसके बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। गांव के लोग तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, और वो अपना वोट देकर तुम्हें प्रधान चुनते हैं ताकि तुम गांव का विकास कर सको, उनकी मदद कर सको, और तुम मुझे फंसाने के लिए इतना घटिया काम करोगे। जब ये बात गांव के लोगों को पता चलेगी तो सोचो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, वो तुम्हें कभी भी गांव का प्रधान नहीं चुनेंगे। जमींदार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार आप मुझे बचा लीजिए, फिर आगे से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। प्रधान जी, आपने बहुत ही घिनौना काम किया है, इसके लिए आपको जेल तो जाना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इनको। चलिए प्रधान जी।